नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्कैप रोबोटिक्स के अंदर। मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव और टेक इन्फो दिया हुआ है एज यूजुअल। आज हम आपके सामने कुछ जो क्वेश्चंस लाए हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बहुत मतलब से कहते हैं कि टेंशनाइज हैं। ये सर हाइड्रोलिक्स जो है या तो सही से उन्होंने पढ़ी नहीं है अपने इंटरमीडिएट में, या उसको कायदे से इम्प्लीमेंट करने की कभी कोशिश नहीं की है, या कभी उसको देखा नहीं कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में अगर उसको इम्प्लीमेंट करते तो शायद कैसा क्वेश्चन बनता। तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भेजा है मुझे दरभंगा बिहार से एक स्टूडेंट ने। तो जो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अ जेट ऑफ वाटर फ्रॉम 25 मिलीमीटर डायमीटर नोजल इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, नोजल से मतलब जेट से भेजा जा रहा है पानी ऊपर की तरफ। Assuming that Z remains circular, जो है वो 2D बना हुआ 3D में circular Z होता है, pipe होता है आपका, and neglecting any losses of energy, calculate the diameter at a point 4.5 meter above the nozzle. इस nozzle से पानी जा रहा है और यहाँ से फुहार निकली 4.5 meter above nozzle के velocity जो है वो डायमीटर नोट करना है हमें। डायमीटर एट 4.5 मीटर अबव द नोजल, मतलब नोजल से यहाँ से पानी किस वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर आपका ये पानी यहाँ 12 मीटर पर सेकंड से छोड़ा जा रहा है और 4.5 मीटर अबव जाके पता लगाना है कि जो ये आपका पानी जो गया था कितना जो है जो सर्किल बनेगा उसका कितने डायमीटर होगा, मतलब कितने उसका फैलाव कितना होगा 4.5 मीटर अबव। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका इसका डायमीटर दिया हुआ है, आपका ये दिया हुआ है 25 mm, मतलब 25 × 10⁻³ मीटर, मतलब 0.025 मीटर। ठीक है, तो यहाँ इस नोजल का डायमीटर 0.025 मीटर दिया हुआ है, पता क्या करना है 4.5 मीटर अबव जो है जाकर कितने डायमीटर पे पानी सस्टेन होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ लिखा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इजी है, इसको पता नहीं वो बच्चा सॉल्व क्यों नहीं कर पाया, इसके लिए कोई बात नहीं, कभी कभी छोटी छोटी चीजें माइंड से स्किप कर जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि इसमें दो कॉन्सेप्ट है, पहला बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पर जिससे पानी जा रहा है तो अगर V1 हमारा हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, V2 हमें यहाँ पर दैट इज द V2 यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे V² = U² - 2gh लगा देंगे, इस इक्वेशन के ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, यहाँ V2 हो जाएगा दैट इज V1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है V² = 12² - 2g आपका 9.81 आप मानते हैं, h कितना 4.5 मीटर, तो यहां से V2 आ जाएगा। ठीक है, तो V2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी इक्वेशन लगाएंगे, क्वांटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब एक वेंट से पानी मतलब आपका वाटर जा रहा है और एक सीधे वेंट से निकल रहा है, इस तरह के लिए क्वांटिटी इक्वेशन जो होगी वो हम जानते हैं क्या होती है, A1V1 = A2V2, क्योंकि ये आपका एरिया ऑफ एपरेचर होता है, दैट इज द एरिया ऑफ एपरेचर, एपरेचर कह सकते हैं वेंट कह सकते हैं जहां से पानी निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एपरेचर यहां पर है ये वेंट इज अ सर्किल, यहां पर वेंट इज अ सर्किल, तो उसका एरिया क्या होगा πr² या हम कहें πd/2 का स्क्वायर, मतलब πd²/4। ठीक है, तो इक्वेशन पे हम आते हैं, तो हम क्या करेंगे πd₁²/4 × V₁ = πd₂²/4 × V₂, V₁ और V₂ आपको पता चल गया, V₂ की वैल्यू अलग दीजिएगा, तो यहां से आपका D₂ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ D₂, D₂ क्या होगी, इस आपका 4.5 मीटर अबव जो आपका पानी है उसकी वो कितना सर्कुलर अपर्चर बना रहा है उसकी डिस्टेंस ही होगी, 4.5 मीटर अबव जो जेट से पानी भेजा जा रहा है वो कितना उसका ओरिफिस है, कितना वो सर्कुलर जेट आउट होगा उसकी उसकी डायमीटर यहाँ से निकल आएगा, और डायमीटर निकल आएगा तो रेडियस भी निकल आएगी, दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड टाइप प्रॉब्लम।
लेकिन पूछा था तो कोई बात नहीं, इसको आप करके भी चीजें स्किप कर जाती। तो दो कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं, पहला ये वाला कॉन्सेप्ट आपका जो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी के इस मैच यूजीएस रखा है, ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी इक्वेशन निकालनी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात आई है क्वांटिटी इक्वेशन पे। तो क्वांटिटी इक्वेशन अगर आपको एक चीज और पढ़नी है, जो मेन चीज से जो डाइवर्स होकर आगे बढ़ेगी अब फॉर आईआईटी लेवल, ठीक है, फॉर आईआईटी, तो ये जो आपका इक्वेशन है ये सब नीट के लिए पर्याप्त है, ठीक है, नीट के लिए इस तरह क्वेश्चन जल्दी बनते हैं। अगर आईआईटी के लिए पढ़ना है तो अभी क्वांटिटी इक्वेशन को थोड़ा हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्वांटिटी इक्वेशन जो होती हैं वो थोड़ा सा बायफर्केट करेंगे, अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए तो हमारी यही थी एवर वीवर इसका टू ए टू बी टू। अब क्वांटिटी इक्वेशन जो होती है कि दो फॉर्म होते हैं जो आपको आईटीएम पढ़ने हैं, पहला है थ्री डी फॉर्म थ्री डायमेंशनल में, और दूसरा क्या है इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो थ्री डी फॉर्म में क्या है कि अगर आपका जो आप बनाते हो x, दैट इज y, दैट इज z, अगर इसकी इनलेट वेलोसिटी u, v और w है, दीज आर द इनलेट वेलोसिटीज ऑफ फ्लूइड, मतलब जिस वेलोसिटी से फ्लूइड इस फ्रेम में घुस रहा है उसकी वेलोसिटी u, v, w है, तो क्या होता है डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द क्वांटिटी इक्वेशन फॉर थ्री डी। टू डी के लिए होगी तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी एक सिंपल है। लेकिन यहां पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आएगा उसमें आपको देखना है इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें कुछ इस तरह से होता है, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, दैट इज थीटा, दैट इज डी थीटा ए बी आर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ दैट इज सी डी, दैट इज आर डी थीटा, दैट इज यू आर, दैट इज यू थीटा, ठीक है, दैट इज आर प्लस डी आर डी थीटा। तो अगर यू आर जो है वो आपका क्या है रेडियल velocity of fluid flow और u theta क्या है tangential velocity of fluid flow, तो क्या होती है आपकी quantity equation, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा r into u r plus del by del theta u theta is equal to zero, that is important, that is the continuity equation for polar coordinate, okay. Coordinate equation in कर दीजिए in polar coordinates, ठीक है। तो यहां पर important क्या है कि ये भी important equally है और ये भी important equally है, तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि three dimensional में जिस velocity component जिस direction में होगा उससे उसका differentiation partial कर देंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कि एंगल और रेडियल डायरेक्शंस की बात होती है, तो यहाँ दो वेलोसिटी, यहाँ पे तीन वेलोसिटी कंपोनेंट आएंगे, यहाँ दो वेलोसिटी कंपोनेंट आएंगे, एक होगा इसके रेडियल फॉर्मेट में रेडियल डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दिस इज आर, दिस इज आर प्लस डी आर, मतलब दिस इज डी आर। तो यहां पर ये चीज देखने वाली इंपॉर्टेंट है कि आपका इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल और जो रेडियल वेक्टर होता है उसी का सारा खेल होता है। तो रेडियल वेक्टर अगर आर है तो इसकी रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू आर अगर है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन वेलोसिटी यू थीटा अगर है, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपका आईटी के लिए है, आईटी के लिए इस पर थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेट करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस तो इस तरह सॉल्व हो जाएंगे लेकिन इन पर थोड़े से क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपको इसको भी अगर आप आईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट को भी आपको देखना है, ठीक है। और क्या क्या देखना है हाइड्रोलिक्स में, जो बच्चा समझ नहीं पाता कि हाइड्रोलिक्स में वो बेसिकली सरफेस टेंशन ये सब चीजें मान के उसको कर लेता है, लेकिन क्या क्या चीज कवर करनी है आपको आईटी जेई के लेवल की तैयारी के लिए, ठीक है। तो आईटी जेई के लिए आपका क्या है
पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वॉर्टेक्स फ्लो। वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको देखनी है, इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो ये भी आपको देखना है। क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल, जो सरफेस टेंशन में आपने कैपिलरी देखी थी, अगर वो कैपिलरी को चौड़ा कर दें तो एक वेसल बन जाती है, उस वेसल में कौन कौन से लॉज हुए होते हैं, ठीक है, उसकी क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल की इक्वेशंस होती हैं। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ पाइप बेंड। जब एक पाइप आगे चल के बेंड हो जाता है, हो सकता है इसका जो आपका एरिया हो वो सेम भी हो, लेकिन अगर बेंडिंग हो जाती है तो फोर्सेस का बाइफर्केशन हो जाता है, उसकी इक्वेशन भी पढ़नी है। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फ्री लिक्विड जेट्स। जब जेट्स को हम किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी को लिक्विड को फेंकने के लिए कहते हैं, तो इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे होती ये भी आपको आईडीजी के लिए देखना है। तो क्या है कि थोड़ा सा लेवल जो है इंटरमीडिएट थोड़ा सा उठ के आ रहा है, मतलब कि आपको ये हो सकता है कि ये सब चीजें इंटरमीडिएट की बुक्स में ना मिले, लेकिन आईटीजी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पता होना कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है आईटीजी लेवल के लिए। तो बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आईटीजी या किसी कॉम्पिटेटिव खासतौर से टेक्निकल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो वो उसने ये पिछले मैंने इसको बायफर्केट लिस्टेड कर दिया कि आप बेसिकली बहुत सारी बुक्स में जब कुछ आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हो या पढ़ने लगते हो तो आपको समझ में नहीं आता पढ़ना क्या है। तो दीज आर द टॉपिक्स, छह टॉपिक्स तो अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको हाइड्रोलिक्स में पढ़ने हैं, टॉपिक्स टू स्टडी इन हाइड्रोलिक्स, ठीक है। दिस हॉट हाइड्रोलिक्स में आपको ये चीजें तो कवर करनी ही करनी है फॉर आईटीजी डिवीजन। तो अगर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं तो इट इज वेरी गुड, अगर नहीं तो प्लीज स्कैन रोबोटिक्स सेंटर से कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको हर चीज जो करेंटली ट्रेड में पूछी जा रही है पूछी जा सकती है उस तक की उस तरीके से बहुत कायदे से प्रिपरेशन आपको करा देंगे, जिससे कि आपको अभी तक जो आपके जिस तरह के जो डेमो लेक्चर्स होते हैं इनमें केवल मैं आपको जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स भेजते हैं मेरे मेल पर या व्हाट्सएप पर, तो उन क्वेश्चन को केवल मैं डील करता हूं, लेकिन आपको सीरियलबद्ध तरीके से क्वांटिटेटिव इक्वेशन का डेरिवेशन पीडीएफ फॉर्म में कहां यूज आएगा, फिर मोलर पावर सिस्टम कहां यूज आएगा, ठीक है, इनका अपना डेरिवेशन इनकी फॉर्मुलेशन इनकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, दिस इज द ट्रैजेक्टरी है, उसकी अपनी इक्वेशन मैप होती है, ठीक है, तो वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है आईटी प्रिपरेशन को आपको करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आईटी की स्ट्रेटजी है किसी आपका अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनेशन की जो स्टडी होती है उसमें जब तक टॉपिक्स आप बढ़िया सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक जो है हर चीज आप पढ़ने में सक्षम माइट बी पॉसिबल कि आपको माइट बी ना हो। तो मैं उन मीडिया के बच्चों की बात बता रहा हूँ जो बेचारे बहुत ज्यादा सिलेबस ग्रास्प नहीं कर सकते, एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम में और लिमिटेड कंटेंट उनको पढ़ना होता है, तो वो कंटेंट भी साथ साथ में आपको बताता जाता हूँ। तो इसको दिस शुड बी केप्ट इन माइंड कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए जो क्वेश्चन आया था तो मैंने सॉल्व करके बता दिया, और क्वेश्चन से ज्यादा इसका बाइफर्केशन, इस तरह जो बाइफर्केशन दिया उस पर आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। और प्लीज अगर आप इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन ना होने दें, आप ये कतई ना समझें कि लॉकडाउन है शायद क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, हर तरह की एजुकेशन आपको हर समय हमारे स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है, टेक्निकल ट्रेनिंग और प्री एंड पोस्ट इंजीनियरिंग दोनों ही साइंस इंजीनियरिंग साइंसेज में हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम के उसमें आप देख लीजिए इस चीज़ को, कोई डाउट हो तो स्कैप रोबोटिक्स सेंटर से मैं अभिनव श्रीवास्तव कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है, किसी पर भी कॉन्टैक्ट या आप मेल कर सकते हैं मुझे, मैं आपको जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई करने में कोशिश करूंगा।